नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीतू वाणी में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे सिर्फ 2 मिनट के अंदर कैसे अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और 10 मिनट में अपना उस पैन कार्ड को डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये नए पैन कार्ड के लिए है। मतलब आपके पास इससे पहले कोई पैन कार्ड नहीं है, एकदम नया पहली बार आप अपना पैन कार्ड अगर बनवाने जा रहे हैं तो इस तरीके से आप अपना पैन कार्ड घर बैठे ही बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस पैन कार्ड को बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड चाहिए जिसके अंदर पूरा नाम जैसा आपको चाहिए वैसा लिखा हो, और सबसे ज़रूरी बात कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ कम्प्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमें रजिस्टर मोबाइल नंबर की जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको रजिस्टर मोबाइल पे ही आएगा। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल पे google.com ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ई फिलिंग, स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। ये सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहां से भी डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंटरफेस कुछ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं आपको मोबाइल पर करके दिखा रहा हूं, अगर आप कंप्यूटर पर भी करते हैं तो भी सेम ऐसे ही आपको करना है। इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शो मोर। ठीक है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे और ऑप्शन निकल के आ जाएंगे और हमें यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट ई पैन। ठीक है, हमें इसी को ओपन करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और ये लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये नया पेज आ गया है और देखिए यहाँ पे क्या क्या जानकारी दी हुई है। आपको जो नया पैन बनाना है, पहली लाइन का मतलब है ईजी और पेपरलेस प्रोसेस है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। तीसरी लाइन का मतलब है ये जो ऑनलाइन पैन कार्ड आपको मिलेगा ये बिल्कुल उसी पैन कार्ड की तरह वैलिड है और हर जगह काम करेगा जैसा कि वो फिजिकल पैन कार्ड होता है जो डाकिया आपको आपके घर पे देके जाता है, बिल्कुल उसी की तरह ये काम करेगा। ठीक है, लास्ट में जो लास्ट वाली लाइन है उसका मतलब है कि आपको आपका जो आधार कार्ड है उस पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है गेट न्यू ई पैन। ठीक है, इस पर हमें क्लिक कर देंगे और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या जानकारी हमसे मांगी जा रही है, हमें एक 12 डिजिट का अपना आधार नंबर एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे ओके। उसके बाद आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए एक कॉलम बना हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक मतलब टच करेंगे क्लिक करेंगे तो ये राइट का निशान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं, इनका मतलब मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पहली लाइन का मतलब है कि आपको ये जो कंडीशन है, पहले इनका मतलब है आपके पास पहले से कोई भी पैन नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि आप पहली बार बनवा रहे हैं। दूसरी लाइन का मतलब है कि आप जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव है और आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। तीसरी लाइन का मतलब है आपके डेट ऑफ बर्थ पे पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, यानी कि डेट, महीना और साल, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, चौथी लाइन का मतलब है कि आप माइनर नहीं हैं, आपकी जो एज है वो 18 साल कम्प्लीट है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हैं, फटाफट अपना चीज़ों को भर लेते हैं, पहले आधार नंबर को फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आधार नंबर फिल कर लिया है और साथ में ये जो कॉलम बना हुआ था इस पर मैंने टिक भी कर लिया है। ठीक है, टच करेंगे टिक हो जाएगा और नीचे देखिए जो कंटिन्यू लिखा हुआ वो मेरा हाईलाइटेड हो गया है। अब फटाफट इस पर क्लिक करेंगे और हमारा नया पेज आ जाएगा। देखिए जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए OTP वैलिडेशन के लिए वो कह रहा है, तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर OTP चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन में क्या क्या है आप पूरा डिटेल से भर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक फ़ाइनल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, अगर आपका पहले से पैन कार्ड बना हुआ है और आप दोबारा इसको अप्लाई कर देते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। ठीक है, 10,000 रुपये का। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा। आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर देखिए नीचे लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो राइट का निशान लग जाएगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जब आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। तो फटाफट से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नया पेज
हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमसे OTP डालने के लिए कह रहा है, ठीक है। जो OTP आपको 15 मिनट तक कम से कम वैलिड होगा, तो फटाफट इसके अंदर हम अपना OTP एंटर करेंगे और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आई एग्री टू वैलिडेट, इस पर हम क्लिक करके इस चेक बॉक्स पे ओके कर देंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने अपना OTP इसमें फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे देखिए कॉलम पे टिक कर देता हूँ और देखिए कंटिन्यू का पेज खुल गया। अब इस पर ओके करूँगा और हम अगले पेज पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ गया है। इसके अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं जो भी एप्लीकेंट होगा जिसका आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल खुल जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप OTP एंटर करेंगे और नेक्स्ट पेज पे आएंगे आपको एप्लीकेंट की फ़ोटो दिख जाएगी, आधार नंबर दिख जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर ब्लर कर रखा है फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, पेज को ऊपर करेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट दैट, इस पर टिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी में एक ऑप्शन है नॉट लिंक्ड, अगर आपका ईमेल आईडी लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए लिंक करने का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी डालने की जगह आ जाएगी, यहाँ पर ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, वो OTP इसमें एंटर करना होगा और नेक्स्ट पेज आ जाएगा। दोस्तों इसमें ईमेल आईडी ऐड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जब आपका पैन कार्ड कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे आपका पैन कार्ड तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका पैन कार्ड बनाने का वीडियो। आप तो हमारा पैन कार्ड अब यहाँ पे बन चुका है। अब उसी पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी वेबसाइट पर हम एक बार फिर से चलेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक बताया आपको, और फिर दोबारा हम वहीं पर चलेंगे ई पैन वाली सर्विस पर, ठीक है। शो मोर पर क्लिक करेंगे और इंस्टेंट ई पैन के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है गेट ई पैन वाला, जिससे हमने अभी ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन अब हमें डाउनलोड करना है। तो उसी के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है जिसको अब हमें ओपन करना है। और यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आधार कार्ड का नंबर मांग रहा है ये हमसे। और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आएगा और OTP हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे हमारा जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि हमने OTP इसमें एंटर कर दिया है, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और देखिए ये हमारा सक्सेसफुल। तो देखिए ये OTP डालते ही जैसे हमने सबमिट किया, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो है व्यू ई-पैन का और एक है डाउनलोड ई-पैन का। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।